वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो चंक्स के नहीं, यहाँ पे मैंने 3 लार्ज पोटैटोज लिए थे जिसे मैंने अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। इसमें हम सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ पर मेरे पास ग्रीन चिली पिकल है, 5 रिंग्स लिए हैं मैंने ग्रीन चिली पिकल की। इसे हम फाइनली चॉप करके ऐड करेंगे इसमें। वन टीस्पून अनियन पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून सिलेंट्रो फाइनली चॉप, 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स, 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे हम इसमें। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब हम इसे बाउल में सेट करेंगे। यहाँ पे हमने मोल्ड ले लिया है, इसमें प्लास्टिक शीट लगाएंगे और इसे ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है। इसमें हम पोटैटोस को सेट करेंगे। ताकि इजीली निकल जाए इसमें से। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे फ्रीज करेंगे 1/2 to 1 hour तक के लिए, ताकि अच्छे से हार्ड हो जाए और इजी टू फ्राई हो हमारे लिए। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ 1.5 घंटे से लेके 1 घंटे तक के लिए। 1 घंटा हो चुका है पोटैटो चंक्स को और ये अच्छे से हार्ड भी हो गया है। आप इसे चाहें तो इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं, या जब आपको भूख लगे टी टाइम के टाइम इसे फ्राई कर लें, निकाल के डीप फ्राई। अब इसे प्रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर कपल ऑफ डेज। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। अभी इसे हम कट कर लेंगे रेक्टेंगल पीस में। यहाँ पे हम पोटैटो चंक्स बिल्कुल रेडी हैं, मैंने इसे रेक्टेंगल पीस में सबको कट कर लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पर पोटैटो चंक्स मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे पोटैटो चंक्स मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई हो रहे हैं, क्रिस्पी एंड ब्राउन होने तक हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पे हमारे पोटैटो चंक्स लगभग बिल्कुल रेडी हैं, हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पोटैटो चंक्स बिल्कुल रेडी हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी और यमी बने हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हम इसे केचप या शेजवान सॉस के साथ सर्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।